टेक फ्यूचर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल बटन दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांशु सूरज टेक फ्यूचर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का वीडियो हम बताने वाले हैं आपको कि TWRP से बैकअप कैसे ले और रीस्टोर कैसे करें किसी रोम को भी। तो जैसे आप देख सकते हैं ये है मेरे पास में नाइट्रोजन OS जो कि एंड्रॉइड 8 और ये है रेडमी नोट 3 फिलहाल मेरे पास। और देख सकते हैं सिस्टम में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए सिस्टम एंड देन अबाउट फोन और ये देखिए नाइट्रोजन OS है मेरे पास में, नाइट्रोजन OS और चेंज लॉग ये सब है रेडमी नोट 3 एंड्रॉइड 8.0.0 यस। और इस तरीके से आप देख सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इसमें मैंने TWRP डाल रखा है और बुटलोडर भी मेरे फोन का अनलॉक्ड है। जी हाँ, तो इसके बारे में पहले आपको बता दूं, किसी भी रोम को आप बैकअप लेने से पहले आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपने जो कॉल डिटेल्स है या फिर SMS वगैरह है उसको बैकअप ले लीजिए। नहीं तो आपको जस्ट एज इन आपको बैकअप रिस्टोर करना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आया, नहीं तो मैंने यहाँ पे TWRP के लिए एक अलग से प्रेफरेबल वीडियो बनाया हूँ, तो वो आप देख सकते हो किस तरीके से आपको बैकअप लेना चाहिए। इसके बाद में सबसे मेन जरूरी चीज है, आप अगर आपने यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक या फिर कोई भी लॉक आपने लगा रखा है तो आपको वो जो लॉक है आप हटा लीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि अगर आपने लॉक में अगर आप बैकअप ले लिया और उसके बाद आपने रीस्टोर किया तो वो बेसिकली आप जो सो अटक जाओगे वहां पे। तो यहाँ पे मैं सिक्योरिटी लॉक में जाके पैटर्न स्क्रीन लॉक को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं इसे यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, टर्न ऑफ एंड स्वाइप यस रिमूव। तो यहाँ पे हमारा जो सो लॉक जो सो रिमूव हो चुका है और ये देखिए अब जो सो मेरा फोन जो सो डायरेक्टली बुट यहाँ पे अनलॉक हो जा रहा है। तो ये चीजें था, तो बस ये आपको करना है कुछ चीजें। इसके बाद में आपको फोन को जो है रिकवरी मोड में लेके जाना है, तो यहाँ से लेके चलता हूँ मैं आपको रिकवरी मोड में। एडवांस रिबूट है, देखिए गो टू रिकवरी, तो यहाँ पे मैं थोड़ा देर क्लिक करके रखता हूँ। और इसके लिए आपको जो सो मैं बताऊंगा तो आपको TWRP रिकवरी की जरूरत पड़ेगी जो की टीम विन रिकवरी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम जो TWRP रिकवरी में चलते, थोड़ा सा वेट करते, जब ये हमारा रिकवरी मोड में बुटअप हो जाता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे रिकवरी मोड में आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे पास में TWRP रिकवरी। और यहाँ पे आने के बाद मैं आपको बैकअप के बारे में बताता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले हम चलेंगे बैकअप लेने में, और बैकअप में जो आप ऑल पार्टीशन को सेलेक्ट कर लीजिए। जी हाँ, अगर आपके पास में कोई अदर रिकवरी है तो उसमें आपको जो पैटर्न पार्टीशन आता है आप उस सबको रिकवरी सेलेक्ट कर लीजिए। देन आप जो स्टोरेज चूज कर लीजिए, यहाँ पे मेरे पास में माइक्रोएसडी कार्ड में स्पेस है तो मैं वो चूज कर ले रहा हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं स्वैप टू बैकअप ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे बैकअप जो है मेरा देख सकते हैं आप 9 GB का है ये, ठीक है। तो 9 GB हमें थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक ये बैकअप क्रिएट होता है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। ओके, ओके तो दोस्तों यहाँ पे मेरा फोन में जो आप देख सकते हैं सारा बैकअप हो चुका है मेरा रोम। तो मैं अब इस रोम को आपके सामने यहाँ पे वाइप कर रहा हूँ, ये देखिए वाइप में आ रहा हूँ। देन एडवांस वाइप, देन डेलविक सिस्टम डेटा कैश एंड कस्ट। तो देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे चार चीजों को कर दिया है टिक, और इसको मैं वाइप करूंगा एंड देन दूसरा रोम भी आपको डाल के दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसे स्पीड अप करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये रहा मेरा सारा कुछ वाइप हो गया, ये देखिए। और अब जो सो मैं इसमें अपना दूसरा रोम फाइल डालूंगा और उसके बाद दोबारा से मैं इसे आपको रिस्टोर करके दिखाऊंगा किस तरीके से आपको रिस्टोर करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा अपना रोम डाल रहा हूँ इसमें फोन में। तो यस, तो जस्ट मैं ये सारा कुछ आपको स्पीड अप में दिखाता हूँ एंड देन दूसरा रोम भी आपको स्पीड अप में दिखाता हूँ और उसके बाद में मैं इसे रिस्टोर करके दिखाऊंगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे कि आपको मैंने दिखाया था मैंने नाइट्रोजन OS अपने जो सो फोन से अपना बैकअप लिया था और उसके बाद में मैंने जो सो AOSP वाला MAOSP रोम जो सो फ्लैश किया था इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए MAOSP MCAOSP रोम है,
इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ अब जो समय फिर से दोबारा से उसे रिस्टोर करके, ठीक है। तो चलिए हम फिर से दोबारा चलते हैं अपने रिकवरी मोड पे, ये रहा रिकवरी एंड देन मैं ओके। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से उसे रिस्टोर करना है। तो आप ये वीडियो को अगर देख रहे तो पूरा का पूरा देखिए, क्योंकि हाफ वीडियो देखने के बाद में आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आने वाला और उसके बाद में आप कमेंट में कुछ भी कह सकते हो। सो मैं प्रेफरेबल करूंगा कि आप जैसे पूरा वीडियो देखे और उसके बाद में अपना काम करे, क्योंकि स्टार्टिंग में आप ना करें तो ही अच्छा है, पूरा वीडियो देखने के बाद करें। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने रिकवरी मोड पे, और आने के बाद में सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा बैकअप ले लीजिए, और बैकअप लेने के बाद आपको आना है वाइप में, देन एडवांस वाइप में, डेल्विक सिस्टम डेटा कैश एंड कस्ट, इन चार पांच चीजों को आपको कर देना है टिक, देन आप स्वाइप टू वाइप कर लीजिए इसे। ये हो गया हमारा वाइप, और इसके बाद में हमें क्या करना है, सबसे पहले जाना है रिस्टोर में। रिस्टोर में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में बैकअप है, ये रहा हमारा नाइट्रोजन का केंजो वाला ये बैकअप, तो इसे मैं कर ले रहा हूँ सिलेक्ट, और इसके बाद में मैं इसे करता हूँ स्वाइप टू रिस्टोर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे रिस्टोर हमारा स्टार्ट हो चुका है, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा रिस्टोर होने में, तब तक वेट करते हैं हम इसे, वीडियो को थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो सो रोम रिस्टोरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, आप देख सकते हैं ऊपर में रिस्टोर कंप्लीट सक्सेसफुल। तो चलिए मैं अब इसे कर ले रहा हूँ रिबूट सिस्टम में, और इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन ओएस, जी हाँ, जहाँ से हमने इसे छोड़ा था वहीं पे डायरेक्टली हमारा रिस्टोर हो गया है। तो बस थोड़ा सा वेट करते इसे बूटअप होने का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा रोम जो है बूटअप हो चुका है, और ये देखिए सेम टू सेम मेरा जो वॉलपेपर था, जो भी मेरे एप्स थे, वो सारे के सारे वहीं से डायरेक्टली हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में किस तरीके से आप जो है बैकअप ले सकते हो और रिस्टोर कर सकते हो अपने फोन को। तो आशा करता है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर कमेंट, जी हाँ, और अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए लेके आता हूँ नए टेक्निकल वीडियो। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।